अमन ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाक शुदा पत्नी सीमा पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी, ना माथे पर बिंदी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली है? अमन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सीमा की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो अमन दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं अमन के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और सीमा के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब अमन सीमा के पास बैठ गया। बैठते ही अमन बोला, सीमा कैसी हो? सीमा ने नजर ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ। और आप? अमन बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। तो हार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भैया के पास ही है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर अमन बोला, एक बात पूछूं? सीमा ने आंखों से ही पूछा। क्या? अमन संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब अमन ने दोबारा नहीं पूछा तो सीमा ने पूछा, आपने की है शादी? अमन ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। अमन बोला, खाओगी? सीमा ने ना में सिर हिला दिया। अमन ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो अमन ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। अमन दूसरी तरफ देखने लगा तो सीमा चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। अमन बोला, क्या शर्त है? तो सीमा बोली, पैसे मैं दूंगी। अमन कुछ नहीं बोला। फिर सीमा ने 2 कुल्फियां खरीद ली और एक कुल्फी अमन को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 12,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए अमन बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे तो रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम तो बहुत स्वाभिमानी हो, इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीर को क्या जवाब देती? ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पर रही हो। अमन बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो, ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ, पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। सीमा उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी, इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते, एक 9 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। ये कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो अमन के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचाने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ,
मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर सीमा को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को तो भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार अमन भावुकता वश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहू वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया और स्टेशन आने वाला था। अमन बोला, वापस कब जाओगी। सीमा बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। अमन भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। सीमा बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं कर पाते, जर्नल डिब्बे में सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। अमन अपना सूटकेस संभालता हुआ सीमा के पीछे उतरा और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूँ, जर्नल में ही चलूंगा, बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। सीमा ऑटो में बैठती हुई बोली, 10 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। अमन कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर सीमा का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 9:30 बजे ही स्टेशन आ गया। सीमा 10 बजे की जगह 11 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो, मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। सीमा बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। अमन बोला, मैं तुम्हारे भी टिकट ले लिया हूँ, अब 25 रुपए की टिकट के लिए कुछ कहना मत। सीमा हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी अमन की नजर उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफर शुरू हो गया। मगर इस सफर में कुछ खास था। अमन कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। अमन नोटिस कर रहा था कि सीमा बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी, वे बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखकर अमन के दिल में एहसास सा उठा था कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी में थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। अमन की मन स्थिति से अनजान सीमा बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो, दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। अमन बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। सीमा को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप। अमन बोला, मुझे तो चाहिए हमेशा के लिए, जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि सीमा बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो, कहकर वो रो पड़ा। सीमा चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। अमन उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसू की वजह नहीं बनूंगा, तुम जो कहोगी वही करूंगा, प्लीज लौट आओ। सीमा ने माथे के बाल को थोड़ी सी पीछे हटाया और बोली, इधर देखिए जरा। अमन ने देखा सीमा ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे, मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं, मेरा हम सफर लौट आया है, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है,
थक गई हूँ मैं, अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। अमन बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही सीमा का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर सीमा ने लोगों की परवाह नहीं की। वह अमन के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद सीमा का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। सीमा को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी अमन के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।